सो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल आरबी मोस्ट ऑफिशियल में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो लेकर आए नोकिया की कुछ रिलेटेड वीडियो, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेट और रीबूट के बारे में। जो कि रीसेट और रीबूट आप करते हो तो आप रीबूट करने के अथवा रीसेट करने के लिए आपको राउटर के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि आप रीसेट और रीबूट करना चाहते हो तो आपके राउटर के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल के सेटअप में पेज खोलकर आप वहाँ से रीसेट और रीबूट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ दिखाएंगे। दिखाने से पहले हमारे चैनल आरबी मोस्ट ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को दबा ले कि कोई भी वीडियो मिस पे अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक और चीज़, हमारे आरबी मोस्ट ऑफिशियल पेज जो कि फेसबुक पेज है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम नीचे रख दिए, आप वहाँ से ओपन करके हम फॉलो करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो के एंड तक देखना है फ्रेंड्स, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लिए और क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करने के बाद आपको राउटर का सेटअप पेज ओपन करना है। तो राउटर को सेटअप पेज ओपन करने के लिए सर्च और टाइप वेब एड्रेस में आपका राउटर का सेटअप पेज का आईपी एड्रेस यहां से देना है। सो फ्रेंड्स, हम राउटर का सेटअप पेज का आईपी एड्रेस रख देते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से ओके कर लीजिएगा और जैसे ही आप ऐसे ओके कीजिएगा तो आपको जीपीएन होम गेटवे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड रखना है। सो जो आपके पास जो भी यूजर नेम पासवर्ड है आप रख दीजिए। तो यहाँ पर हम पासवर्ड रख देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड नोकिया की राउटर की, और यहाँ से लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन कीजिएगा ऐसा समस्या बार बार आता रहता है, इसको ऊपर से स्लाइड करके नीचे लाकर इसको कंटिन्यू करना है। सो फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करके हम दिखा देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा आपका राउटर का सेटअप पेज यहाँ से खुल गया है। और खुलने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली रीसेट करने के लिए, तो रीसेट हम पहले रीबूट करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको रीसेट करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, रीबूट करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको मेंटेनेंस सेटिंग में जाना है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको नीचे जाना होगा। ऐसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ से आपको प्लस का चिन्ह है मेंटेनेंस, यहाँ से देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ से मेंटेनेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप मेंटेनेंस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और इंटरफेस आपको देखने को मिलने के बाद आप देख सकते हैं नीचे पासवर्ड स्पीड टेस्ट लॉगिन कॉन्फ़िगर और उसके स्लाइड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो डिवाइस मैनेजमेंट बैकअप रीस्टोर एंड उसके बाद नीचे आप देख सकते हो रीबूट डिवाइस। सो फ्रेंड्स, रीबूट डिवाइस करने के लिए आपको रीबूट डिवाइस में यहाँ से क्लिक करना है। ऐसे रीबूट डिवाइस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मेंटेनेंस रीबूट डिवाइस इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए रीबूट करने के लिए आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा देते हैं, आपको रीबूट का सेटिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से रीबूट सिंपली यहाँ से रीबूट पर क्लिक करना है। और रीबूट पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा 192.168.1.254 से। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो डू यू वांट टू रीबूट द डिवाइस। सो फ्रेंड्स, ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से रीबूट करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूं, आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से कुछ सर्च फॉर जैसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो डन रीबूट, हमारा राउटर रीबूट हो गया। और रीबूट होने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद आपका राउटर रीबूट हो जाएगा और रीबूट होने के बाद फिर से आपका राउटर स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा वाईफाई देख सकते हो अब कट गया है। तो इसी प्रकार से हम दिखाए थे, अब आपको दिखा देते रीसेट कैसे करना है। रीसेट करने के लिए हम बता देते हैं सेटिंग कहाँ से करना है। सो फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आपको यहाँ से रीसेट करने के लिए आपको यहाँ से नोकिया की आईपी एड्रेस रखकर आपको राउटर का सेटअप पेज ओपन करना है। तो यहाँ से हम ओपन कर देते हैं सेटअप पेज को, फिर से वही सिस्टम अनुसार यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड रख लेना है। आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड रख लिया चेंज करके यहाँ से लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद ऐसे समस्या बार बार आता रहता है, तो यहाँ से ऊपर से स्लाइड करके कंटिन्यू आपको करना है। और जैसे आप स्लाइड करके कंटिन्यू कीजिएगा आपका राउटर का सेटअप पेज ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद फिर से आपको जाना है मेंटेनेंस में। और मेंटेनेंस में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से
रीसेट करने के लिए फैक्ट्री डिफिकल्ट, फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाना है आपको। और आप जैसे फैक्ट्री डिफॉल्ट में आप ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ को देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस फैक्ट्री डिफॉल्ट। तो सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो नीचे, यहाँ से हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट में आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, डू यू वांट टू रीसेट सिस्टम कॉन्फिगर टू फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ से आपको ओके कर देना है। आप ओके कीजिएगा आपका राउटर का रीसेट हो जाएगा, और रीसेट करने के बाद आप जिस हिसाब से हम इससे पहले रीसेट करके वीडियो बनाए थे उसमें वीडियो करके सेटिंग सारा चीज़ दिखाए थे, उसी हिसाब से आप सेटिंग मिला लीजिएगा, आपका राउटर फिर से चलने लगेगा फिर से। और सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यही था, आपका किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, सपोर्ट मी आप कमेंट करके हमें पढ़ाइए, आप हमें सपोर्ट करते तो हमें कमेंट करके पढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।